भारतीय सितार लेसन भाग 11। मैं इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं राग बिलावल। राग बिलावल इसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो ये बिलावल ठाट से जो उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति में 10 मुख्य थाट हैं, उनमें से प्रथम थाट बिलावल थाट है। इस बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे बिलावल भी कहते हैं। इसमें गंधार और निषाद स्वर वक्र हैं, जैसे बिलावल के बहुत से प्रकार हैं। जैसे मुख्य प्रकारों में शुद्ध बिलावल, अलैया बिलावल, नट बिलावल, देवगिरी बिलावल, कुंभ बिलावल इत्यादि। तो आज हम वैसे तो संगीत के कोर्स आदि प्रोफेशनल या ऐसे लोग जो लाइन में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए तो इसमें मसीद खानी, रजा खानी, गतों का अभ्यास किया जाता है और अलग अलग प्रकार के मीड, जमजमा, कृंतन आदि टेक्निकों का, यानी कि कलाओं का समावेश होता है और धीरे धीरे अलाप, जोड़, झाला इत्यादि सिखाया जाता है। और 15-16 सालों में नित्य अच्छा 4-6 घंटे रियाज करने के बाद आदमी जो मार्केट में आने की योग के काबिल बन सकता है। तो ये उसके रियाज पर, अभ्यास पर निर्भर करता है कि कैसा उसका काम। तो यहाँ तक के शौकीन लोगों की बात है, जो सितार में शौक रखते हैं, उनके लिए छोटी छोटी गीत बंदिशें वगैरह जो किसी कोर्स में ना बंद कर ऐसे ही मजे के लिए या आनंद के लिए किया जाए, तो वैसे है। सर्वप्रथम आरती भगवान हरि की थी बिलावल थाट में। पहले है जैसे स्थाई में ओम जय जगदीश हरे, अब इतना ही। वो कैसे बजाएंगे देखिए, अब इसमें सा 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 नी सा नी सा रे, उसका क्या बना, ओम जय जगदीश हरे।
इसमें मुजराब के बोल क्या बनेंगे, वो ऐसे होगा दा दा दे रा दा रा दा रा दा 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 दे रा दा रा दा रा दा, ऐसे भी जा सकते हैं दा रा दे रा दा रा दा रा दा रे का का अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा।